मैंने एमएस ऑफिस ऑनलाइन डाउनलोड किया था, जिसकी वजह से कुछ दिन तो ये चला, उसके बाद एक प्रॉब्लम आने लगी। एमएस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर है, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, इसमें ये एक प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड वाली, ये वाली जो एरर है, ये आने लगी। अभी क्या है, कोई भी जब फाइल ओपन करता हूँ, इसे देख समझ सकता हूँ, लेकिन इसको एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे जो ऑप्शन है ये अनक्लिकेबल है। इस वजह से दिक्कत काफी ज्यादा आ रही थी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया था, ऑफलाइन मेरे पास था नहीं। फिर मुझे पता चला एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑनलाइन टूल के बारे में। जिस प्रकार से एमएस ऑफिस ने ये सॉफ्टवेयर जारी कर रखे हैं, जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, वर्डपेड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, जिस प्रकार से इसके सॉफ्टवेयर है हम कंप्यूटर में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये ऑनलाइन भी मौजूद है। हम ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उस पर जाकर एक्सेल को भी यूज कर सकते हैं, वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, सेम ही चीज है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होता है पहले से, और जो ऑनलाइन वाला टूल है उसमें हमें वेबसाइट पर जाना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट की, और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। फाइल्स वगैरह है वो ऑनलाइन हमारी सेव रहती है, हम चाहें तो कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा कि अगर किसी कारण से आपके कंप्यूटर में ये जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है ये नहीं चल रहा है, तो आप ऑनलाइन टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। ज्यादा फर्क भी नहीं है, ऑप्शन में भी थोड़ा बहुत कोई फर्क हो सकता है, बाकी सेम से ही ऑप्शन है। आप अगर कंप्यूटर में नहीं चल रहा है एमएस ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर, तो काफी अच्छा तरीका है कि आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की ये जो टूल है इनको यूज कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे यूज करना है। आपको अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउजर है इसको ओपन करना है। अगर क्रोम ब्राउजर है तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जरूरी नहीं इसी में आप यूज करें। अब आपको गूगल में सर्च करना है, गूगल में या जो सर्च बॉक्स है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन फ्री यूज या ऑनलाइन फ्री, ठीक है, इतना लिख के आप सर्च कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये वेबसाइट आएगी, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट है, फ्री माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, आपको इस पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए कहा जाएगा, तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप यहाँ पर साइन अप कर लीजिए। ईमेल आईडी डालिए अपनी, अपना नाम पता डाल दीजिए, और आप इसके अंदर आसानी से साइन इन हो जाएंगे। हमारा पहले से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, बना हुआ है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट साइन इन करेंगे। हमारा अकाउंट यहाँ पर साइन इन हो चुका है, ओके करते हैं। अभी देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो फ्री वाला वर्जन है, ऑनलाइन वाला वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर है सारे हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको दिखाता हूँ बारी बारी से सारी चीजें, और कैसे यूज करना है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको ट्यूटोरियल बता रहा है, इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरी डिटेल बता रही है कि बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है वो आपको यहाँ पर नीचे इस कैटेगरी में, इस लिस्ट में मिल जाएगा। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट वर्क बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है, कोई फॉर्म बनाना हो वो बना सकते हैं। सारी चीजें आपको बाई डिफॉल्ट यहीं पर मिल जाती है। अभी उदाहरण के लिए मान लेते हैं, मान लीजिए आपको कुछ कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, ठीक है, आप डायरेक्ट अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपलोड करके उसको ओपन कर सकते हैं। जिस भी वो फाइल होगी, मान लीजिए एक्सेल की होगी तो एक्सेल में ओपन हो जाएगी, वर्ड की होगी तो वर्ड में ओपन हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अपलोड पे क्लिक करते हैं और एक एक्सेल की फाइल मेरे पास पड़ी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये अपलोड में चलेगा, ये पॉपअप यहाँ पर ब्लॉक है, इसको ऑन करेंगे, दोबारा से अपलोड करेंगे इस फाइल को। इसको अपलोड किया तो ये देखिए डायरेक्ट अभी एक्सेल की फाइल मैंने अपलोड करी है, तो डायरेक्ट एक्सेल अभी यहाँ पर ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ऑनलाइन एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। हम जो चाहें वो एडिटिंग उसमें कर सकते हैं, कुछ एड करना चाहें कर सकते हैं, सेव अगर करना हो वापस तो सेव हम कर सकते हैं। यहाँ पर ट्यूटोरियल बताया जा रहा है, हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ पर ओके, तो अभी देखिए हमारी जो एक्सेल फाइल है, जो फाइल थी वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ये देखिए, ठीक है। जो इसमें एडिट करना चाहिए वो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए कोई एडिटिंग करनी हो वो कर सकते हैं। सारे जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए क्लिकेबल है, इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, जो चीज़ें इंसर्ट करनी हो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, डेटा कुछ अगर डालना हो तो वो डाल सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो अपने हिसाब से जो आपको एडिटिंग यहाँ पर करनी हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अभी वापस इसी पेज पर आते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड की फाइल है, या आपको कोई नई वर्ड की फाइल बनानी है, कोई नई एक्सेल की फाइल बनानी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। देखिए वर्ड की यहाँ से बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन यहाँ से बना सकते हैं, वर्कबुक यहाँ से बना सकते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर भी आपको मिलते हैं। जैसे एक्सेल की फाइल बनानी हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर एक्सेल ओपन हो चुका है पूरा, आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं, या कोई टेम्पलेट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर कोई अपलोड करनी हो फाइल तो यहाँ से आप अपलोड करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। वर्ड की ओपन करनी हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी कोई टेम्पलेट लेनी हो तो यहाँ से ले सकते हैं। ब्लैंक पेज ओपन करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई वर्ड की फाइल मौजूद है तो अपलोड पे क्लिक कर दीजिए, और जहाँ पर भी आपके कंप्यूटर में है मौजूद वहाँ से अपलोड कर दीजिए, वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। आप उसमें जो एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। अभी आपको नई फाइल बनानी हो मान लीजिए वर्ड की, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस प्रकार से नया पेज नया ओपन होता है, ब्लैंक पेज वैसे ही ओपन हो जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये ओपन हो चुका है। आपको जो यहाँ पर डालना हो, जो फाइल बनानी हो, ठीक है, यहाँ पर आप बना सकते हैं। आपको ऊपर सारे टूल मिल जाते हैं, ये देखिए जिस टूल का यूज करना हो आप कर सकते हैं। ये देखिए सारे काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कोई काम नहीं करता। इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑनलाइन टूल है उसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए इसको सेव करना होगा आपको, तो कैसे होगा? कोई भी फाइल बना ली, एक्सेल की बना ली, वर्ड की बना ली, इसको सेव करना है तो फाइल पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर सेव एज पे क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर ऑनलाइन सेव करना हो इसको वन ड्राइव में, तो आप ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। ये देखिए, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ऑनलाइन क्लाउड सर्विस है, क्या नाम उसका, शायद वन ड्राइव नाम है, उसमें सेव हो जाएगी। अगर आपको डाउनलोड करनी हो कॉपी, ये देखिए डाउनलोड ए कॉपी टू योर कंप्यूटर, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपकी जो फाइल है डाउनलोड कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। इसको हम क्रॉस करते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारी जो भी फाइल थी, डॉक्यूमेंट फाइल थी, वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ऑनलाइन टूल है इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में यूज हो जाएगा, और ऑप्शंस भी लगभग सारे मिलते हैं। बेसिक जितने भी ऑप्शंस होते हैं सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।